तो हेलो दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत करते हैं आप सभी दोस्तों का एजुकेशन लाइफ में। तो आइए हम सब शुरुआत करते हैं एलसीएम और एससीएम, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम लोग का पहला क्लास है, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं एलसीएम के बारे में। वह छोटी छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा पूरी तरह विभाजित हो जाए वह संख्या लघुत्तम समापवर्तक कहलाती है, ठीक है। लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के निम्नलिखित नियम हैं। पहला हो जाएगा आपका अभाज्य गुणनखंड विधि और दूसरा हो जाएगा आपका भाग विधि द्वारा, ठीक है। तो आइए हम सब चलते हैं कुछ एग्जाम्पल की ओर, आप सब वीडियो में बने रहिए। आइए हम सब देखते हैं एग्जाम्पल। 2, 4, 6, 8 का एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। तो आप ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं, सिंपल सी विधि 2, 4, 6, 8, ओके। चलिए 2 हो जाएगा दोस्तों, 2 × 4, 2 × 3 6, 2 × 4 8, ओके। चलिए 2 × 2 3 उतर जाएगा, 2 × 4। अब मल्टीप्लाई कीजिएगा बच्चों, 2 × 4, ठीक है, 4 × 3 = 12, 12 × 2 = 24, यानी एलसीएम कितना होगा बच्चों, 24 हो जाएगा, ठीक है। आइए इसको अलग विधि से बनाते हैं, ठीक है। चलिए आइए हम सब इस प्रश्न को हल करते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है। चलिए आप सब वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों यहाँ पर लिख सकते हैं 2 को 2 × 1, ओके। 4 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 1, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला संख्या 6 है, आप 6 को लिख सकते हैं 2 × 3 × 1, ठीक है। अगला संख्या 8 है, आप लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 1, ठीक है। चलिए आपको निकालना क्या है दोस्तों, यहाँ से एलसीएम निकालना है, ठीक है। चलिए देखिए इसमें 1, 2, 3, 4 यानी सब मिला करके कॉमन हो जाएगा बच्चों, यानी सब मिला के कॉमन हो जाएगा दोस्तों यहाँ से, तो 2 बच जाएगा। उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद देखिए आगे 2 दिखाई दे रहा है, इसमें भी 2 है यानी कॉमन हो जाएगा 2, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला लाइन में देख रहे हैं आप सब 3 दिखाई दे रहा है बच्चों, अगला लाइन में देख रहे हैं आप सब 3 दिखाई दे रहा है, सिर्फ अकेला 3 हो जाएगा। उसके बाद पुनः अगला लाइन में देखिए 2 दिखाई दे रहा है, 2 हो जाएगा। उसके बाद 1 दिखाई दे रहा है कॉमन में, तो 1 ले लीजिएगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 2 × 4, 4 × 3 = 12, 12 × 2 = 24। ऐसा करते हैं दोस्तों कि आप सभी दोस्तों को एलसीएम निकालने आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला है एग्जांपल आपका 20, 40 और क्या दिया दोस्तों, 60 दिया हुआ है, ठीक है। तो लघुत्तम बनाने का यही नियम होता है कि सबसे छोटी संख्या से भाग दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 10 बच जाएगा, यहाँ से 20 हो जाएगा आपका, यहाँ से 30 हो जाएगा, ओके। चलिए दोस्तों यहाँ से 2 × 5 = 10, 2 × 2 = 20 और यहाँ से हो जाएगा 15 × 30, ठीक है। बाद 5 से ले जाइएगा, 1 हो जाएगा 2, 5 × 3 = 15, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 × 2 = 4, 4 × 5 = 20, 20 × 2 = 40, 40 × 3 = 120, ओके। चलिए आशा कर रहे हैं दोस्तों कि आप सभी दोस्तों को एलसीएम पूरी तरह से अच्छा से आ रहा है। इसको लिख सकते हैं 20 को हम 2 × 2 × 5, ठीक है। चलिए 40 को लिखेंगे हम सब 2 × 2 × 2, ठीक है, × 5, 2 × 2 = 4, 4 × 8 = 40, 40 × 5 = 40, ठीक है। 2 × 2 × 3 × 5, ठीक है, ठीक है। 2 मिल रहा है दोस्तों, 2 हो जाएगा आपका कॉमन। उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 मिल रहा है दोस्तों, यहाँ ले लीजिए कॉमन। उसके बाद देखिए इसमें देखिए 5 है, ठीक है, इसमें भी 5, तीनों में 5 है, समझिएगा बच्चों, इसमें तीनों में 5 है, तो 5 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 2 का हिस्सा कोई नहीं है, तो 2 उतरेगा। उसके बाद 3 का भी कोई हिस्सा नहीं है, 3 उतरेगा बच्चों। अब मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए 2 × 2 = 4, 4 × 5 = 20, 20 × 2 = 40, 40 × 3 = 120, यानी कहने का मतलब है 20, 40, 60 का एलसीएम क्या आएगा बच्चों, 120 आएगा, ठीक है। दोस्तों ये सब एग्जाम्पल है, आप सब इसको बना करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर अवश्य लिखिएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों महत्तम समापवर्तक जिसको बोलते हैं एचसीएफ, 2 या 2 से ज़्यादा संख्याओं का महत्तम समापवर्तक बड़ी से बड़ी वह संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूरी तरह से विभाजित करे वही संख्या महत्तम समापवर्तक कहलाती है, ठीक है।
महत्तम समापवर्तक बनाने के नियम इस प्रकार हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा और भाग विधि द्वारा। ठीक है, चलिए पहला एग्जांपल यहाँ पर है 4 6 8। ठीक है, 4 6 8 का एलसीएम निकालना है। आइए सबसे पहले हम लोग बेसिस से ज्ञात करते हैं। देखिए 4 को लिख सकते हैं दोस्तों 2 × 2 × 1, 6 को हम सब लिख सकते हैं 2 × 3 × 1। ठीक है, और 8 को लिख सकते हैं दोस्तों यहाँ से 2 × 2 × 2 × 1। ठीक है, यहाँ पर 2 जो है तीनों संख्याओं में आ रहा है, 2 हो जाएगा कॉमन मल्टीप्लाई। उसके बाद देखिए यहाँ 2 दिखाई दे रहा है लेकिन 3 बीच में आ गया, नहीं होगा। उसके बाद देखिए यहाँ से 1 कॉमन हो जाएगा तो 1 कर लीजिए, उसके बाद 2 में गुणा कीजिए, 1 का 2 हो जाएगा, यानी एलसीएम क्या आएगा 4 6 8 का 2 आएगा। ठीक है, वैसी संख्या लीजिए जो तीनों संख्याओं को कम अंतराल पर काट सके। ठीक है, तो मान लीजिए 4 लेते हैं तो 4 6 और 8 को काटेगी नहीं, तो वैसी संख्या लेना है जो कम अंतराल पर काटे। ठीक है, तो मान लीजिए 2 लेते हैं मन में अपने, 2 2 के 4, 2 3 6, 2 4 के 8। जी हाँ, तीनों संख्याओं कौन काटी, 2 काटी, तो आपका एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए मान लीजिए और एग्जांपल देते हैं आप सभी दोस्तों को। मान लीजिए आपसे पूछा गया 4 8 12 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, एलसीएम देखिए 4 ऐसी संख्या है जो 8 को भी काट सकती है और 12 को काट सकती है, तो आपका एलसीएम क्या हो जाएगा, जी हाँ बिल्कुल 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद यदि मान लीजिए कि दिया हुआ है 6 8 10 और आपको निकालना क्या है एलसीएम, तो ज्ञात कीजिए कि कौन संख्या है जो कम अंतराल पर काट सके, तो 2 है, 2 3 6 2 4 8 2 5 10 मन में, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, कि आपको यह वीडियो काफ़ी पसंद आ रहा है और आप सब इसको शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, आप अपनी तैयारी करते रहिए।